नमस्ते, निटिंग यार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने ये डोरमेट बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने दो पुरानी साड़ियाँ ली हैं, जिसकी एक इंच चौड़ी पट्टियाँ काट ली हैं और इसे 7 नंबर की सलाई से बुना है। इसे यहाँ से शुरू करके यहाँ पर बंद किया है। इसे डोरमेट के अलावा पूजा घर में आसन के तौर पर भी इस्तेमाल में ला सकती हैं। ये बहुत ही मजबूत रहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ज़रूर बनाइएगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं डोरमैट कैसे बनाते हैं। पायदान बनाने के लिए मैंने पुरानी साड़ी की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर गोला बना लिया है और इसे मैं 7 नंबर की सलाई से बनाऊंगी। इसके लिए मैं 30 फंदे डालूंगी। फंदे इस तरह से डालूंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से डालते हुए 30 फंदे डाल लेंगे। 30 फंदे डाल लिए हैं। अब हम पहली सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। एक फंदा किनारे पर बिना बुना उतार लेंगे और पूरी उल्टी सलाई बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए पूरी सिलाई बुन लेंगे। पहली सिलाई बुन ली है। दूसरी सिलाई एक फंदा बिना बुना उतार दिया, ऊन आगे की पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। पीछे के 2 फंदे छोड़कर बाकी फंदे उल्टे बुन लेंगे। आखिरी में यहाँ से यहाँ तक उल्टे फंदे बुन लिए हैं। 2 फंदे छोड़ देंगे। हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। ऊन आगे की 1 फंदा बिना बुना उतार लिया।
पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। देखिए ऊन को पट्टियों को इस तरह से जोड़ लेंगे। एक फंदा अगली सिलाई, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे पीछे के दो फंदे और छोड़कर। आखिरी में पहले सिलाई में दो फंदे छोड़े थे, फिर अब दो फंदे छोड़ देंगे। हर एक सिलाई में इधर तरफ से दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। पलटकर एक फंदा बिना बुना उतार लिया, उल्टी सिलाई बुन लेंगे। इस तरह से दो दो फंदे छोड़ते हुए दो फंदे बचने तक बुनेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए दो दो फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बार छोड़ दिए हैं। अब एक दो तीन बार फंदे और छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से इतना बन गया, इधर नीचे का भाग है, इधर तरफ ऊपर। एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक दो तीन चार पाँच, एक फंदा बिना बुना उतार लिया। देखिए इधर उतारने से इधर तरफ अच्छा सा हो जाता है, सफाई आ जाती है। ऊन आगे की चार फंदे बुन लिए, दो फंदे छोड़ दिए। एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक बिना बुना मिलाकर चार फंदे बचे हैं। एक फंदा बिना बुना उतार लिया,
एक फंदा सीधा बुना, दो फंदे छोड़ दिए। एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा उल्टा बुन लिया। देखिए एक कली पूरी हो गई है। अब हम एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए सारे फंदों को इधर तरफ से उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पर पट्टी काट देंगे और दूसरे रंग की पट्टी लगा लेंगे। देखिए दूसरे रंग की पट्टी को सुई धागे से इस तरह से सिल लिया है और इस तरह से मोड़कर पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। दूसरी सिलाई, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे किनारे के दो फंदे छोड़कर। देखिए आखिरी में दो फंदे छोड़ दिए और अब इधर तरफ पलट कर बुन लेंगे। एक फंदा बिना बुना उतार लिया। जैसे पहली कली बनाई थी उसी तरह से दूसरी कली भी बनाएंगे। हर बार दो दो फंदे सीधी तरफ से, इधर सीधा तरफ है इधर उल्टी तरफ है, दो दो फंदे, दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह बार दो दो फंदे सीधी तरफ से छोड़ेंगे। उसके बाद उल्टी सिलाई बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए दो रंग की कलियां बनाते हुए ऊपर गोलाई तक बुनेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए हर बार सीधी सिलाई में दो दो फंदे छोड़े हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। पंद्रह बार दो दो फंदे छोड़े हैं। इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह कली बनी है। अब हम एक उल्टी सिलाई बुनेंगे सीधी तरफ से, उसके बाद फंदे बंद कर देंगे। एक फंदा बिना बुना उतार लिया, ऊन आगे की, पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे।
पूरी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। पूरी सिलाई बुन ली है, अब हम फंदे बंद करेंगे। दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, बुना हुआ फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया, दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, बुना हुआ फंदा सिलाई पर चढ़ा लिया, दो फंदे एक साथ उल्टे बुने। इसी तरह सारे फंदे बंद कर देंगे। देखिए एक फंदा बचा है, इसे इस तरह से निकाल देंगे। पट्टी को फंदे के अंदर से करके इस तरह से खींच देंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक सुई से सिलाई कर देंगे। देखिए सिलाई इस तरह से करेंगे। हम ऊन से सिलाई करेंगे, सुई में ऊन डाल ली है, इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस पट्टी को अंदर से दबा देंगे। इस तरह से सिलाई करते हुए यहाँ तक सिलाई कर देंगे। देखिए सिलाई हमने कर दी है, इस तरह पावदान बना है।